सब्सक्राइब करें हैश खान यूनिक रेसिपीज को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। और मैं आज यहां पर बनाने जा रही हूं आलू का स्वादिष्ट हलवा, और यह हलवा बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही डिलीशियस है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यह हलवा किस तरीके से बना है, तो यहाँ पर हमने तीन आलू लिए हैं, उबले हुए तीन बड़े आलू हैं, तो इनको हम सबसे पहले कद्दूकस करेंगे इस तरीके से, ग्रेटर की मदद से इसे ग्रेट कर लेंगे इस तरीके से। आप इसे मैश करके भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें गुठली पड़ जाएगी इसलिए हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। देखिए आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं दो चुटकी खाने वाला ऑरेंज फूड कलर, और यहाँ पर हमने एक चौथाई कप शक्कर लिया है। आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 से 5 चम्मच घी ली है, और यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर लिया है, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और यहाँ पर हमने मिक्स ड्राई फ्रूट लिया है, इसको हमने बारीक काट लिया है। आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद हो वो ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है, और आप इसे नॉनस्टिक कढ़ाई में ही बनाएं, ठीक है, क्योंकि आलू बहुत ही स्टिकी होता है और वो चिपकने लगता है। तो हम इसमें कद्दूकस किया हुआ आलू डाल देंगे, और इसे हम चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे। घी में हमें इसे अच्छी तरीके से भूनना है, और तब तक इसे भूनते रहना जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। लगातार हम इसे चलाते रहेंगे, ये देखिए अब ये सारा घी सूख चुका है, और जब ये भून जाएगा तो घी अपने आप छोड़ने लगेगा। तो आप देख सकते हैं आलू का कलर हमारा चेंज हो चुका है, और आलू भून गया, और घी देखिए सारा अलग हो रहा है। अगर आपको घी ज़्यादा लग रहा हो तो आप घी को थोड़ा सा अलग कर लें, दूसरे बर्तन में हम घी को निकाल लेंगे। और अब थोड़ा सा हम इसे चलाते हुए थोड़ा सा और भून लेंगे हल्का सा, और आलू हमारा अच्छे तरीके से भून गया है, तो हम इसमें शक्कर डाल देंगे, इलायची पाउडर और खाने वाला रंग, सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अभी हम इसे फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेते हैं ताकि शक्कर अच्छी तरीके से गल जाए, जले नहीं। तो हम इसे चलाते हुए अच्छी तरीके से भून लेंगे, और इसे लगातार ही चलाते रहें ताकि इसमें कोई गांठ ना पड़े, कोई लम्स ना पड़े। तो ये देखिए हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देते हैं और इसे थोड़ा सा और चला लेते हैं। और अब हम गैस को बंद कर देंगे क्योंकि हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो सिर्फ हम ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और 5 मिनट के लिए इसे हम थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा हो जाए हल्का सा, फिर हम इसे सर्व करेंगे। आप भी इसी तरीके से ट्राई करें हलवा बनाने के लिए, बहुत ही टेस्टी हलवा बना है, बहुत ही डिलीशियस है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पर हमने सिल्वर वर्क लिया है, चांदी का वर्क, एक कटोरी में, और इसमें हम सारा हलवा डाल देंगे। हमें थोड़ा सा गार्निश करना है, तो हम भीगे हुए बादाम से इसे गार्निश करेंगे। आप चाहें तो हलवे की बर्फ़ी, इस हलवे की बर्फ़ी भी बना सकते हैं, ये बाद में ठंडा होने पर हार्ड हो जाता है, तो इसकी बर्फ़ी भी आप बना सकते हैं। टैप कर लेंगे, और अब इसे हम दूसरे प्लेट में सर्व करेंगे इस तरीके से। ये देखिए बहुत ही कलरफुल, बहुत ही डिलीशियस, बिल्कुल घी में लिपटा हुआ हलवा, आलू का हलवा बनकर तैयार है। तो अब हम इसे भीगे हुए बादाम के टुकड़ों से इसे हम गार्निश करेंगे, और जो हमने
ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े बचा कर रखे थे, जो थोड़े से ड्राई फ्रूट बचाए थे उससे हम इसे गार्निश करेंगे। हमारा हलवा बनकर तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और इसे हम ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ये आलू के हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।